कल है आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियंस और आरसीबी के टीम के लिए ये मुकाबला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरसीबी की टीम की बेस्ट प्लेइंग 11 अकॉर्डिंग टू मी, आरसीबी की टीम की सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है कल के मैच के लिए। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आप सभी के लिए, तो वीडियो को पूरे एंड तक आप लोग जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, तो पहले फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप सभी को टेलीग्राम का लिंक देखने को मिल जाएगा। तो कई सब बात करते हैं आरसीबी के टीम के बारे में। आरसीबी के टीम के लिए ये मुकाबला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो मुंबई इंडियंस के टीम के लिए भी है, लेकिन आरसीबी के टीम के लिए उससे भी ज्यादा है, क्योंकि लगातार कई यहाँ पे मैचेस हारे हैं। आरसीबी की टीम मुंबई इंडियंस की टीम मैच जीत कर आ रही है, तो आरसीबी के टीम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मुकाबला। एक बार फिर से मोमेंटम को पकड़ना पड़ेगा एंड एक बार फिर से कमबैक करना पड़ेगा आईपीएल 2024 में। अब गाइस बात करते हैं आरसीबी की टीम की क्या प्लेइंग 11 हो सकती है एंड सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे अकॉर्डिंग टू मी। सबसे पहले चेंजेस की बात करें तो मैंने यहाँ पे काफी सारे यहाँ पे चेंजेस किए हैं। ग्लेन मैक्सवेल एंड काफी सारे प्लेयर को मैंने यहाँ पे बैठाया है बाहर पे। तो बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। तो सबसे पहले विराट कोहली फैफ टू प्लेसी ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं आरसीबी की टीम की तरफ से। नंबर 3 पे विल जैक्स को रखा है मैंने यहाँ पे। नंबर 4 पे रजत पाटीदार। नंबर 5 पे कैमरन ग्रीन। नंबर 6 पे दिनेश कार्तिक। तो ये होने वाली है आरसीबी की टीम की बैटिंग लाइनअप। बैटिंग लाइनअप की बात करें तो आपको फैफ टू प्लेसी, विराट कोहली, विल जैक्स, रजत पाटीदार, कैमरन ग्रीन, दिनेश कार्तिक आपको आके अंत में फिनिश करके देने वाले हैं। और अगर आरसीबी की ओपनिंग चलती है तो फिर और भी अच्छी बात है आरसीबी की टीम के लिए। एंड मैंने विल जैक्स को इसलिए इंक्लूड किया और नंबर 3 पे इसलिए रखा क्योंकि आते ही गाइस यहां पे हवाई फायर करते हैं विल जैक्स, इसलिए मैंने यहां पे नंबर 3 पे विल जैक्स को रखा है। और नवजोत सिंह सिद्धू पाजी का भी कहना है कि यहां पे विल जैक्स को नंबर 3 पे खिलाना चाहिए आरसीबी की टीम को, और इस बारे में मैंने आप सभी को पहले भी बताया था। अब गाइस यहां पे बात करते हैं आरसीबी की टीम की बॉलिंग लाइनअप के बारे में। बॉलिंग लाइनअप में आपको काफी चेंजेस देखने को मिलेगी। नंबर 7 पे करण शर्मा, नंबर 8 पे मयंक डागर, नंबर 9 पे मोहम्मद सिराज, नंबर 10 पे आकाशदीप, नंबर 11 पे लॉकी फर्गिसन। तो ये होने वाली है आरसीबी की टीम की बॉलिंग लाइनअप। आकाशदीप की बात करें तो गाइस आकाशदीप काफी अच्छे फॉर्म के साथ आ रहे, इनको एक मौका देना चाहिए। एंड लॉकी फर्गिसन की बात करें, लॉकी फर्गिसन आपको पावर प्ले में गाइस विकेट चटका के देते हैं एंड साथ में डेथ ओवर में आपको अच्छी खासी गेंदबाजी करके दे सकते हैं लॉकी फर्गिसन। एंड जो प्लेयर थे उनसे तो बेटर ही आपको कर दे सकते हैं लॉकी फर्गिसन, एंड इसलिए मैं लॉकी फर्गिसन के साथ यहाँ पे जा रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि लॉकी फर्गिसन को आरसीबी की टीम मौका दे। और आकाशदीप की बात करें तो आकाशदीप भी काफी अच्छे फॉर्म के साथ आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने आकाशदीप को रखा है प्लेइंग 11 में। अब गाइस स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे करण शर्मा, साथ में आप सभी को विल जैक्स भी गेंदबाजी करके देने वाले, अच्छी खासी गेंदबाजी करके देने वाले, एंड साथ में मयंक डागर भी आपको परफॉर्म करके दे रहे, अच्छे खासे परफॉर्मेंस उन्होंने किया है मयंक डागर ने आरसीबी की टीम के लिए। लास्ट मैच में मार पड़ी थी लेकिन इन्होंने परफॉर्मेंस अच्छा किया है अब तक आरसीबी की टीम के लिए। नए खिलाड़ी है फिर भी इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है आरसीबी की टीम के लिए। तो ये होने वाली, तो मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए आरसीबी की टीम की प्लेइंग 11। और ये प्लेइंग 11 मुझे काफी अच्छा बैलेंस नजर आ रहा है। तो आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। एंड गाइस वीडियो पसंद आई तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।